बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। सुबह से ये दिलचस्पी होगी कि बहुजन समाज पार्टी की कौन कौन से प्रत्याशी जीते। हम आपको बताते हैं कि अंबेडकर नगर की जो लोकसभा की सीट है, जहां से बसपा सुप्रीमो मायावती के लड़ने की खबर आई थी, वहां से रितेश पांडे चुनाव जीते हैं बसपा के। अमरोहा की जो लोकसभा सीट है, वहां से कुंवर दानिश अली ने चुनाव जीता है और इनको 6,00,774 वोट मिले हैं। दानिश अली जेडीएस से बसपा के अंदर शामिल हुए थे। श्रावस्ती लोकसभा सीट से राम शिरोमणि वर्मा बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। इनको वोट मिले हैं 4,41,771 वोट मिले हैं राम शिरोमणि वर्मा को। सहारनपुर से, जो कि हिंसा का शिकार रहा, वहां से बहुजन समाज पार्टी के हाजिर फजूर रहमान चुनाव जीते हैं। इनको वोट मिला है 5,13,268 वोट मिला है। नगीना से, जहाँ से बसपा सुप्रीमो मायावती के चुनाव लड़ने की भी खबर आई थी, सुरक्षित सीट है, ऐसी रिजर्व सीट है। गिरीश चंद्र यहाँ से चुनाव जीते हैं बहुजन समाज पार्टी के और गिरीश चंद्र को वोट मिले हैं 5,68,378 वोट हासिल हुए। मछलीपुर से त्रिभुवन राम चुनाव जीते हैं, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। नज़दीकी मुकाबला ये रहा था और आपको बता दें कि सीट पर इनको वोट मिले हैं 4,87,830 वोट इनको मिले से। संगीता आज़ाद एमएलए इनके पति हैं, उनकी पत्नी लालगंज से संगीता यादव ने आज़ाद ने चुनाव जीता है और इनको वोट मिले हैं 5,14,116। जौनपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के श्याम सिंह यादव ने चुनाव जीता है। बहुजन समाज पार्टी हाथी के चुनाव चिन्ह पर इन्होंने चुनाव जीता है। श्याम सिंह यादव को वोट मिला है 5,21,128। घोसी लोकसभा सीट अतुल रॉय यहाँ से चुनाव जीते हैं, इन पर रेप का आरोप लगा था, उसके बावजूद भी ये चुनाव जीते हैं, शानदार वोटों से चुनाव जीते हैं। इनको वोट मिला है 5,72,258 बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले। गाजीपुर से अफजल अंसारी चुनाव जीते हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मनोज सिन्हा को चुनाव हरा कर यहाँ से चुनाव जीता है। इनको वोट मिला है 5,23,759। बिजनौर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के मूलक नागर यहां से चुनाव जीते हैं, इनको यहां पर वोट मिला है 5,56,197। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर थी उत्तर प्रदेश की, जिनके अंदर बहुजन समाज पार्टी के इन उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। 11 सीटों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी जीते हैं। तो इस प्रकार आपको बता दें कि सपा बसपा गठबंधन करने के बाद यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को कुछ तो फायदा जरूर हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव परिणामों के अंदर बहुजन समाज पार्टी अपने खाते पे शून्य लेकर आई थी, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलकर 0 से 11 नंबर तक पहुँच चुका है।